आज की इस वीडियो में मैं बच्चों के लिए बेल स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ, जो मेरे एक व्यूअर के कमेंट पर बनाने वाली हूँ। उनकी डिमांड थी कि मैं 5 से 6 साल के बच्चे के लिए बेल स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग बताऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने जो है अपने बच्चे के लिए जो कुर्ता सिला था, उसी में से बचे हुए फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। साइड से जो हमारा फैब्रिक निकलता है, तो बचा हुआ फैब्रिक यहाँ पर मैंने ले लिया है और इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है लेंथ में ही। अब हमें जो स्लीव्स चाहिए हमारे बच्चे की, उसके लिए हमें आर्म होल जो है, आर्म होल मैंने 5 इंच लिया था, तो उसके लिए मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी मार्जिन के लिए। आपका जो भी आर्म होल हो बच्चे के, तो उसके लिए आप उतना ही लेकर 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। यहाँ पर मेरा 5 इंच है, उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और नीचे की तरफ मैं 2 इंच ले लूँगी, क्योंकि ये बच्चे की स्लीव्स हैं, छोटे बच्चे की है। 5 से 7 साल के बच्चे के लिए आप इजीली ये मेथड और यही मेजरमेंट आप ले सकते हैं 5 से 7 साल के बच्चे के लिए। और ये यहाँ पर मैं इसे स्लीव्स का शेप दे दूँगी। उसके बाद में देखिए, मुझे टोटल लेंथ जो चाहिए बच्चे की स्लीव्स के लिए, वो तैयार मुझे रेडी चाहिए 14 इंच। लेकिन अभी ऊपर जो हमारा बेल छोड़कर ऊपर की सिंपल स्लीव्स रहेंगी वो 9 इंच की रहेंगी, उसमें 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी मार्जिन के लिए। हाफ हाफ इंच दोनों ऊपर या नीचे, दोनों साइड से हमारा जो है कवर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा राउंड रहेगा स्लीव्स का, वो 4 इंच है, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए, 5 इंच ले लेंगे। यहाँ से हमारा जो है बेल स्लीव, जो बेल हमारे नीचे की अम्ब्रेला है, वो ज्वाइंट होएंगी। तो आप अपने बच्चों के हाथों का मेजरमेंट ले लीजिए। अब हमारी जो स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है, उसे हम कट करके अलग कर लेंगे। सेंटर मार्किंग भी कर लेंगे कट्स लगा के। और स्लीव्स ओपन करने के बाद में हमें फ्रंट साइड में जो है आर्म होल की गहराई होती है, तो स्लीव्स में भी हमें जो है थोड़ा सा राउंड देना होता है, गहराई देनी होती है। उसके लिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली, ये हमारा फ्रंट साइड है, ताकि हमें पता चल जाए। अभी मैं एक ही स्लीव्स कट करके आपको बता रही हूँ, आप तो एक साथ 2 स्लीव्स कट कर लीजिए दोनों ही बाजू की। उसके बाद में अब हमें जो है नीचे का बेल कट करना है, तो बेल अम्ब्रेला जो कट करना है, उसके लिए हम पहले डबल फोल्ड किए हुए थे, अब उसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद में हमारे यहाँ पर देखिए, 9 इंच का हमने ऊपर तैयार लिया स्लीव्स, उसके नीचे हमें 5 इंच का जो है बेल जोड़ना है, यानी कि टोटल 14 इंच हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैं 5.5 इंच का पूरा राउंड में बेल बनाने वाली हूँ। नीचे जो घेरा हमारा रहेगा वो पूरा 5.5 इंच लेकर, यानी कि 5 इंच का चाहिए। अब हमारे बच्चे की जो कलाई है, जो उसका पूरा राउंड हम जो लेंगे घुमाओ, तो वो 8 इंच आ रहा है, यानी कि 4 इंच का हमने कट किया है डबल में, तो 4 और 4 हमारे 8 हो जाते हैं। ये देखिए, इस तरह हमने 4 इंच रेडी चाहिए हमें, तो ये डबल में 8 इंच हो जाएगा पूरा घुमाओ। उसके बाद में 8 इंच को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमारा जो कपड़ा फोल्ड है वो 4 फोल्ड है, तो 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 इंच मिलता है, तो 2 इंच का हमें यहाँ पर कर्व में कट करना है, ताकि ये ज्वाइंट होए तो बराबर से हमारे जो है स्लीव्स में अटैच हो जाए। तो 2 इंच हमें इस तरह फोल्ड करके टेप से लेना है, और उसके बाद में हमें यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्क करना है। 5.5 इंच, 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, ऊपर सिलाई में कवर होगा। ऊपर से हम नापेंगे तो ये पूरा टोटल 7 इंच आ रहा है हमारा। 7 इंच से हमें पूरे राउंड में इस तरह मार्किंग कर लेनी है। ये सर्कुलर हो गया ये पूरा हमारा राउंड में, तो 7 इंच पे हम इस तरह मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद में अब हमें इसे कट करके निकाल लेना है, दोनों ही साइड से हमें कट कर लेना है।
इस तरह कटिंग से आपकी स्लीव्स में परफेक्ट बैठ जाएगा। मैंने बड़ों के लिए भी स्लीव्स, अम्ब्रेला स्लीव्स या बेल स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बना रखी है वीडियो। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये देखिए हमारी ऊपर की स्लीव्स और उसके नीचे हमारा जो है घेरा बेल वो कट हो चुका है। अब चलिए हम इसकी स्टिचिंग भी स्टार्ट कर लेते हैं। स्टिचिंग भी बहुत इजी है, बिल्कुल इजी मेथड से मैं आपको बताऊंगी। हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था तो यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क कर लेते हैं फिटिंग के लिए। अब नीचे की साइड में हम 4 इंच लिए हैं। आप अपने बच्चे की कलाई के हिसाब से जितना आए उतना लीजिए और उसी के ही हिसाब से आपको नीचे का घेरे का भी कट करना है। मैंने अभी मेथड बताया था आपको, सेम वही प्रोसीजर आपको यूज़ करना है। उसमें आप अपना मेजरमेंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें सेंटर मार्किंग कर लेना है स्लीव्स की भी, ताकि यहाँ ज्वाइन करने में जो है नीचे का घेरा ज्वाइन करने में हमें इजी हो। स्लीव्स हमने ऊपर की रेडी कर ली है, नीचे का घेरा हमें जो है अब रेडी करना है। तो उसके लिए हमें चारों जो हमारे कॉर्नर्स आएंगे उसमें कट्स लगा लेना है। कट्स लगाने से आपका जो है सेंटर पॉइंट इजीली मिल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और स्लीव जो है कम ज़्यादा नहीं होती। क्योंकि ये ओरेप कटती है तो इसमें अक्सर दिक्कत आती है जो हमारी सभी लोगों को फेस करना होता है, पर एडजस्टेबल रहना चाहिए ताकि ये एडजस्ट हो जाए, हमें खींच के लेके चलना चाहिए। ओरेप वाले कपड़े को आपको हल्का लेना होगा और जो हमारी स्लीव्स है उसे थोड़ा खींच के लेके चलेंगे तो ईजीली ये बराबर बैठ जाएगा। अब नीचे का जो फोल्ड है, आप घेरा है, आप उसे फोल्ड कर सकते हैं, डबल फोल्ड या पीको लगा सकते हैं, पर ये पूरे राउंड में होता है तो अच्छी तरह फोल्ड नहीं होता, इसीलिए मैं यहाँ पर गोटा लेस लगा लूँगी। या तो आप अगर पीको कर सकते हैं तो पीको कीजिए, उससे और अच्छी फिनिशिंग दिखती है। अब इस तरह हम एक बार गोटा लेस को सिलाई मार लें, उसके बाद में हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके फिनिशिंग की सिलाई दे देनी है। इस तरह हमारी जो है ये लेस अटैच हो चुकी है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब देखिए आपको ये जो है बेल उसको सीधा रखना है कपड़ा, और हमारी स्लीव्स को मैंने अभी तक सीधा नहीं किया है, इसे ऐसे ही रहने देना है और इसके अंदर हमें इस तरह डाल देना है, इसे इस तरह डाल दीजिए। और बाकी सभी पॉइंट को मिलाते हुए जो सिलाई वाला पॉइंट है वहाँ से हमें एक कट मिलाना है और सिलाई लगाते हुए हमें दूसरा कट छोड़कर तीसरा कट जो हमारा रहेगा उसे हमें स्लीव्स के सेंटर पॉइंट पे मिला देना है। आपको मैं बता रही हूँ ये जो ओरेब है इसे आपको खींचना नहीं है, इसे आपको हल्का लेके चलना है और नीचे जो स्लीव्स है हमारी उसे आपको हल्की हल्की खींच के लेके चलना है ताकि हमारा जो है पॉइंट बराबर मिल जाए कट से। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा कट जो है ये हमारा सेंटर से मिल चुका है, सिलाई वाले सेंटर से। अभी हमें ऐसे ही पूरे राउंड में डबल सिलाई लगा लेनी है ताकि ये पक्की हो जाए। अब इसे हमें सीधा कर लेना है स्लीव्स को, बहुत ही इजी मेथड है और बहुत सिंपली मैंने इसे तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारी स्लीव्स जो है बेल स्लीव्स ये बच्चों के लिए बन के तैयार है और मैंने बड़ों के लिए भी स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग डाल रखी है। देख सकते हैं आप फुल घेर आया है, ये बच्चों पर बहुत अच्छा लुक देता है, छोटे बच्चे जो है बहुत अच्छा लुक देता है स्लीव्स का। आप भी ट्राई कीजिए, अगर ऐसे ही कोई आपके लिए भी कमेंट में मुझे बता सकते हैं अगर आपकी भी कोई डिमांड हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।